के मालवी और आप देख रहे हैं H24। H24 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, एक विशेष रूप से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है आमजन के लिए। जनगणना विभाग के द्वारा भी यहाँ पे किया गया है स्वच्छता का अभियान। क्या संदेश रहेगा मैम, कितने लोग सम्मिलित हुए इसमें? विशेष स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने आज कार्यालय परिसर के बाहर का जो पब्लिक प्लेस है उसमें हम लोगों ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है, और इसके तहत बरसों पुरानी जो कचरा गंदगी थी जो यूजुअल निकाला गया है। वैसे तो कार्यालय परिसर में नियमित रूप से साफ सफाई होती ही है, लेकिन आज विशेष स्वच्छता अभियान के तहत कार्यालय कर्मचारियों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पब्लिक प्लेस पर सफाई की है, और ये आज पहला दिन है। इसके साथ लगातार इसको हम जारी रखेंगे और उसको एक अंतिम रूप जब हम उसको देंगे तो एक स्वच्छता का भाई जैसे स्थायी हल उस एरिया का होगा, ताकि उसको आगामी कभी भी भविष्य में वहाँ पर गंदगी ना हो सके और एक सुंदर स्थान बन सके। पर जिस प्रकार से हमारे सफाई योद्धा तो लगातार हर दिन सफाई में लगे रहते हैं, अधिकारी और कर्मचारी एक विशेष दिन निकलते हैं, तो किस प्रकार का संदेश है उस खास मौके के लिए? संदेश यह है कि स्वच्छता या स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, भले ही वो क्लास 4 कर्मचारी हो या क्लास 1 कर्मचारी हो, क्योंकि स्वच्छता यदि यदि जब तक प्रत्येक व्यक्ति से नहीं जुड़ेगा स्वच्छता मेंटेन किया जाना संभव नहीं है। यदि हम ये सोचें कि हमारे घर की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे बाहर की जिम्मेदारी किसी और विशेष विभाग की है, तो ऐसी सोच गलत होगी। तो यदि कोई शहर स्वच्छता में नंबर 1 आता है तो उसके लिए वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी मानसिकता को स्वच्छता से जोड़ना होगा, तभी वाकई स्वच्छता मेंटेन हो पाएगी। एक बार परिचय आपका। मैं भावना वालिंदे, निदेशक जनगणना निदेशालय मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवीय, आप देख रहे हैं H24। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ कल फिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।